आज हम लोग सीखने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। और इससे पहले हम दो मेथड ऑलरेडी सीख चुके हैं, पहला था सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा था एलिमिनेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कब यूज किया जाता है? जब हमारी जो कंडीशन है वो यूनिक सॉल्यूशन होनी चाहिए, लाइक ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। ठीक है, ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन के लिए होता है। जब यूनिक सॉल्यूशन होते हैं तब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं। सो स्टेप वन हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का होता है, जो स्टेप वन है दैट इज सबसे पहले इक्वेशंस को हम ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म में दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं। फिर स्टेप टू होता है कि हम ये चेक करते हैं कि क्या यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है उसका। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारा स्टेप थ्री। ठीक है, स्टेप थ्री के लिए हमने क्या करना है, यहाँ एक्स देन वाई और देन वन। ठीक है, और एक्स के इस साइड पे लेफ्ट साइड पे हम लिखेंगे यहाँ पर टू देन थ्री देन वन एंड देन टू। टू थ्री वन टू मैंने कुछ क्यों लिखा है, ये जो मैंने लिखे हैं इनको आप अभी समझ में आ जाएगा कि ये क्यों लिखे गए, क्योंकि ये बहुत ही इजी तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को लर्न करने का। टू मतलब कि सेकंड नंबर पे जो हमारी कॉफिशियंट्स की टर्म्स है, मतलब वाई की जो कॉफिशियंट्स है बी वन बी टू, वो यहाँ हम इसके नीचे लिख देंगे बी वन बी टू। फिर थ्री मतलब थर्ड नंबर पे क्या है, सी वन सी टू, तो सी वन सी टू हमने लिख दिया यहाँ पर एक्स और वाई के बीच में। फिर y और 1 के बीच में फर्स्ट टर्म आएगी, फर्स्ट टर्म है हमारी a1 a2, तो यहाँ आ जाएगा हमारा a1 a2, और सेकेंड टर्म फिर से b1 b2 वो हमारी आ जाएगी यहाँ पर। तो ये बहुत ही इजी तरीका होता है 2 3 1 2 याद करने का। इसके बाद हमने क्या करना है, ये x y और 1 नीचे लिखने हैं, x y और 1, और इनके नीचे अपॉन का साइन डाल देंगे तीनों के नीचे। ठीक है, और बीच में इज इक्वल टू का साइन डाल देंगे, राइट, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी वन और सी टू को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे यहाँ पर बी वन सी टू, बीच में माइनस का साइन, देन बी टू सी वन। हमेशा ध्यान रखो ऊपर से तुमने लेना है, हमेशा लेफ्ट साइड के ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना शुरू करना है, बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, ये मत लिख देना बी टू सी वन माइनस बी वन सी टू, अपने स्टेप्स के साथ करना है। ठीक है, देन C1 A2 माइनस C2 A1, ठीक है, C1 A2 माइनस C2 A1, देन A1 B2 माइनस A2 B1, ये हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, X और Y की वैल्यू निकालनी है जो कि हमारे फोर्थ स्टेप में आएंगी। ठीक है, अब x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करना है, ये देखो तीनों टर्म्स आपस में इक्वल हैं, तो इनके डिनोमिनेटर को हमने सॉल्व कर देना है, और x इज इक्वल टू हमने क्या डालना है, ये उससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और y इज इक्वल टू हमने क्या डालना है, ये उससे हमारी y की वैल्यू हो जाएगी, और बहुत ही ईजीली आप x और y की वैल्यू फाइंड कर लोगे, जो x की और y की वैल्यू हमने फोर्थ स्टेप में फाइंड करनी है। ठीक है, होप आपको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अच्छे से समझ आ गया होगा। ये हमारी थोड़ा सा बेसिक थी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, अगली वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे। ऑल द बेस्ट।